का दिन है। किसका दिन है? तप का दिन है। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोहित जीना होगा, तुझको तपना होगा, मोहित जीना होगा। तपस्या का नाम लेते ही केवल उपवास याद आता है। तपस्या का नाम लेते ही कोई धूप में खड़े होके ध्यान कर रहा है वो याद आता है। इसके अलावा तपस्या के नाम पर कुछ और याद नहीं आता है, है ना? जबकि भगवान महावीर ने इच्छा निरोधः तपः, क्या कहा? इच्छा निरोधः तपः। षट्खंडागम ग्रंथ में आया है कि इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। कितनी छोटी सी बात है, बात कोई बड़ी नहीं है। इच्छाओं का निरोध तप है। जो इच्छा हो रही है उसका निरोध कर दो, उसका विरोध कर दो, वही तपस्या। वर्तमान में दुखी क्यों है? दुख का कारण क्या है? इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जो सोचा था, जो चाहा था, जो इच्छा करी थी वो पूरी नहीं हुई, दुख हो गया। सोचा था बेटा ऐसा करेगा, नहीं किया। बहू ऐसा करेगी, नहीं करी। बेटी मेरी बात मानेगी, उसने भी नहीं मानी। ऐसी चीज़ मेरे लिए खरीद के लाओ, नहीं मिली। खाने में मेरे लिए ऐसी चीज़ बनाओ, नहीं बनी। व्यापार में जो चाहते हैं वो नहीं होता है। इच्छा निरोधः तपः, किसे कहते हैं तपस्या? इच्छाओं का निरोध करना, यानी खुद के द्वारा यदि खुद की इच्छाएं निरोध की जाएं तो तपस्या। तुम्हारी इच्छाओं का कोई विरोध करे तो तपस्या, समस्या। तुमने कोई इच्छा करी और सामने वाले ने मना कर दिया, क्या सामने वाला क्या है? समस्या। क्या है? समस्या। और तुमने अपनी इच्छाओं का स्वयं निरोध कर दिया, तपस्या। सामने वाले को मौका ही नहीं दिया, वो विरोध करे, वो मना करे, मौका ही नहीं दिया उसको। जो काम वो कर रहा था वो काम तुमने खुद कर लिया। ठीक है भाई, हमें ऐसी चीज नहीं चाहिए। सामने वाला जबरदस्ती दे तो बात अलग है, लेकिन तुमने अपना मन बना लिया है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। फिर तुम्हें मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने तो इच्छा का निरोध करके तपस्या कर ली। तो तपस्या करने से क्या होता है? क्यों करें तपस्या? आप लोग बता सकते हो क्या कि तपस्या करने से क्या होता है? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, तपसा निर्जराचा। तपस्या करने से कर्मों की, कौन से कर्मों की? पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। कौन से कर्मों की निर्जरा होती है? पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तपस्या तपसा निर्जराचा, तपस्या करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। और आप चाहते क्या हो? पाप को ही तो दूर भगाना चाहते हो। दुख कहाँ से आता है, पुण्य से या पाप से? पाप से। तो यदि पाप को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को एक श्री फल चढ़ा दो, भगवान तुम भगा दो हमारे पाप। बोलिए, भाग जाएंगे? भगवान को श्री फल चढ़ा दो, भगवान मोक्ष भेज दो, चले जाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं जाओगे। भगवान को एक श्रीफल चढ़ाओ, भगवान हमारे बाल सफ़ेद ना हो, एक छत्र चढ़ाओ कि हमारे बाल सफ़ेद ना हो। बोलिए, हैं? नहीं हो सकता, बाल सफ़ेद होंगे।
भगवान को श्रीफल चढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग मंत्र पूछते हैं आकर, माता जी कोई मंत्र बता दो, तो जिसका जाप कर लें तो समस्या चली जाएगी। समस्याओं को दूर करने के दो उपाय हैं। पहला, इच्छा निरोधा तपा, जो तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं उनका शमन कर दो, समस्या खत्म। दूसरा, जो समस्या है उसे पॉजिटिव लो। समस्या सबके साथ, देखो आ गई ना समस्या, जो भी समस्या है उसे पॉजिटिव लो। किसी भी काम को, यदि मान लो भोजन बना है और भोजन में नमक नहीं डाला, ये भी एक छोटी वाली समस्या तो है ही ना, गुस्सा तो आ ही जाता है, इतना भी नहीं पता, नमक डालना भूल जाते हैं, कितनी ज़रूरी चीज़ है पता नहीं है, नमक बिना नमक का भोजन बना के रख दिया, तुम्हें नहीं खाना तो तुम मत खाओ, हमारे में तो डालो ना भाई, गुस्सा आएगा नहीं आएगा। लेकिन यदि आपकी थाली में बिना नमक का भोजन आ गया, पॉजिटिव सोचो, अरे ऐसे तो त्याग करता नहीं हूँ, चलो आज बिना नमक का आया खा लो चुपचाप, थोड़ी सी तपस्या हो जाएगी, गुस्सा खत्म। समस्या को पॉजिटिव लिया, तपस्या बन गई। किसी भी समस्या को यदि पॉजिटिव तरीके से सोचा जाए तो वो ही तपस्या बन जाती है और कुछ नहीं है। आजकल कितने उपदेश देते हैं, कितने मोटिवेटर इस बात को कहते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, बहुत लोग कहते हैं और जगह जगह बताते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान महावीर ने इसको तपस्या कहा है। क्या कहा है? इसको तपस्या कहा है। और तपस्या का फल क्या होता है? तपस्या का फल क्या होता है? कर्मों की निर्जरा। बस वो ही तो चाहते हैं कि पाप कर्मों की निर्जरा हो जाए। बंधुओं, भगवान महावीर ने इसके 12 भेद बताए हैं। कितने? 12। सबसे पहला अनशन, उपवास। ऊपर से शुरू किया है, ऊपर से शुरू करके अंदर ले गए हैं, ठीक है। 10 लक्षण में अंदर से शुरू करके बाहर लाए हैं। क्या? क्षमा मार्दा वारजाओ भाव हैं। पहले भावों को शुद्ध किया, फिर तपस्या करवा रहे हैं। लेकिन 12 तप के भेदों में पहले बाहर को तपाया, फिर अंदर को तपा रहे हैं। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेश, ये शरीर के हैं, ठीक है। प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। ध्यान सबसे आखिरी में रखा है, सबसे आखिरी में रखा। और सबसे ज्यादा निर्जरा का कारण ध्यान है। सबसे पहला तप है अनशन और सबसे आखिरी तप है ध्यान। उपवास वाले ध्यान, उपवास वाले दिन ध्यान बहुत अच्छे से होता है, कोई टेंशन नहीं। उपवास कर लिया तो अब ज़्यादा दिमाग में उठापटक भी नहीं है, ज़्यादा आना जाना भी नहीं है कि कहीं खाने जाना है कि वापस आना है। अब भोजन पेट में चला जाए तो थोड़ी देर लेटना भी है, भोजन के बाद निद्रा देवी भी तो सताती है ना, तो भोजन के बाद फिर थोड़ी देर लेटने का भी मन करता है। अब लेटने के बाद उठे तो थोड़ा खाना खाया तो लोग काम भी बताएंगे, जरा ये ले आओ, जरा वो ले आओ, जरा ऐसा कर लो, जरा ऐसा कर लो। जिस दिन उपवास हो तो लोग काम भी नहीं बताते, भाई आज उसका उपवास, उसको काम मत बताना, आज कुछ मत कहना उसे, आज उसका उपवास है। तो उपवास वाले दिन घर वालों ने भी तुम्हें छोड़ दिया, उपवास है तो एक नंबर दो नंबर की भी छुट्टी। उपवास है तो ज़्यादा दिमाग में उठापटक भी नहीं रहती है, मन शांत रहता है। तो उपवास वाले दिन जब ध्यान किया जाए तो उससे कर्मों की निर्जरा 100 गुनी हो जाती है। ये बाहर की तपस्या करी जाती है अंदर को तपाने के लिए। यदि आपका उपवास है
और उपवास, अरे चल आज खाली है, आज खाना पीना तो है नहीं है, घर में कोई है भी नहीं है, तो चल आज अलमारी साफ कर लेते हैं, चल आज घर की सफाई कर लेते हैं, चल आज मार्केटिंग कर लेते हैं, आज कोई काम तो है नहीं है, चल ये काम निपटा लेते हैं। उपवास नहीं हुआ। उप यानी समीप, वास यानी रहना, आत्मा के समीप रहना उपवास कहलाता है। आपने भोजन तो छोड़ दिया लेकिन आत्मा के पास गए कि नहीं गए? आपका मन धर्म में है कि नहीं है? आपका मन परमात्मा में है कि नहीं है? यदि नहीं है तो उपवास नहीं है, केवल लंघन है। क्या है? डॉक्टर कहते हैं ना, जिस दिन ऑपरेशन होता है तो एक दिन पहले उपवास कराता है, तो उसको उपवास नहीं कहते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? पानी मत पीना, खाना मत, कल ऑपरेशन है तुम्हारा। यदि तुमने एक बूंद पानी भी पी लिया तो ऑपरेशन कैंसिल। यही है ना, आप उसको उपवास मानोगे? क्यों? क्योंकि वो उपवास ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही आपने उपवास किया और घर के काम किए तो भी उपवास नहीं हुआ, वो लंघन हुआ। उपवास वाले दिन आप अपनी आत्मा के समीप रहो, स्वाध्याय में, जाप में, माला में, ध्यान में, आत्मचिंतन में, आत्ममनन में, इन चीजों में रहोगे तो उपवास का फल 10 गुना। और केवल भोजन छोड़ा है तभी उपवास पूरा नहीं हुआ है। अनशन ओनोदर, भूख से कम खाना। उपवास करना थोड़ा सरल भी है लेकिन सामने थाली है और पेट अभी खाली है और थाली छोड़ दी जाए, बड़ा मुश्किल है। उपवास वाले दिन तो दिमाग शांत कि आज खाना ही नहीं है, लेकिन खाना भी है और कम खाना है। ऊन उदर, ऊन यानी कम, उदर यानी पेट, ऊन उदर भूख से कम खाना। व्रत परिसंख्यान, व्रत परिसंख्यान में नियम लिया जाता है, ऐसा होगा तो खाएंगे, ऐसा होगा तो नहीं खाएंगे। आप लोग कहते हैं ना, अरे मेरा बेटा आ जाए फिर खाना खा लेंगे। आप लोग भी तो करते हो ये उपवास वगैरह। जिस दिन शादी होती है आपके घर में, आपको खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, उपवास हो जाता है। हुआ क्या? नहीं, फुर्सत ना मिले, ग्राहक खड़ा है सामने। एक बेटा पहुंचा, बोले पापा रोटी खा लो, रख दे वहां, देख नहीं रहा तेरे को ग्राहक खड़ा है सामने। फिर खड़ा रहा, पापा रोटी खा लो। अब तो गुस्सा ही आ जाएगा, चल भाग घर यहां से, यहां ग्राहक ही नहीं संभल रही और यहां तो रोटी की लिए बार बार कह रहा है। अब उसको भगाने का प्रयास, नहीं नहीं पापा मम्मी ने कहा था खिला के आना, लेकिन नोट दिख रहे हैं तो रोटी पीछे, और जरा पूजा में देर हो जाए तो, अरे बोले बताइए ना, अरे यहाँ तो पूजा में इतनी देर हो जाती है, अगले वार से शिविर में हम नहीं आएंगे, पूजा में 12 बज जाते हैं, भोजन का टाइम 10 बजे का होता है, ग्राहक खड़ा हो, नोट दिख रहे हैं तो लेट हो सकते हो, तुम्हारे घर में शादी चल रही है तो लेट हो सकते हैं, लेकिन पूजा में देर हो जाए तो। व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, एक एक रस त्याग करके भोजन करना। आप लोग कर रहे हो ना? कौन कौन कर रहा है? एक एक रस त्याग करके, कौन कौन? कोई भी सभी रस, दिन के हिसाब से ना हो सके तो भाई 10 दिन के लिए एक रस का पूरा त्याग कर दिया कि हम 10 दिन मीठा नहीं खाएंगे, या 10 दिन हम घी नहीं खाएंगे, या तेल, पूरा एक साथ त्याग कर दिया, या एक एक करके त्याग किया। रस परित्याग, इसमें भी कर्मों की निर्जरा होती है, स्वयं पर संयम पालन होता है, स्वयं पर कंट्रोल होता है, और कभी वैसी परिस्थिति सामने आ जाए तो क्रोध नहीं आता है। अब आपको यदि बिना नमक का खाने की आदत है और यदि आपके घर में भोजन में नमक ना पड़े तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं नहीं हमें तो आदत है, हम तो खा लेते हैं। एक आसन उपवास करने की आदत हो तो जब कभी भूख लग रही हो और सामने वाला भोजन ना दे, भाई कोई बात नहीं, तू शांति से कर लेना, हम तो बैठे हैं, हमें तो आदत है, हम तो उपवास एक आसन करते रहते ना। इन सब चीज़ों से विल पावर बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, मन शांत रहता है और क्रोध नहीं आता, कषाएँ कम होती हैं।
इसलिए ये तपस्या करवाई जाती है। विविक्त सयासन, अनेक तरह के, अभी आप पूजा में बैठे हो, सुबह 6 बजे से बैठे हो हैं और 12 बज जाएंगे, 5 बजे से बैठे हो और 12 बज जाएंगे, 6-7 घंटे, ये आपका विविक्त सयासन हो गया। ये भी एक तपस्या है। हाँ, इसको आप छोटा मत मानो, आप बड़े आराम से बैठे हो, मन शांत है आपका, आपके मन में क्रोध नहीं आ रहा है, आपके मन में टेंशन नहीं है, आराम से, चलो इधर उधर बदल लेते वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बैठे तो हो ना, टिके तो हो ना, आपका मन पूजा में लगा हुआ तो है ना, ये भी विविक्त सयासन है। इस आसन में भी आपकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। आप इसे छोटा मत मानो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारे पाप कर्मों को लेकर भाग जाती हैं और तुम्हें सुखी कर जाती हैं। अभी सिचक्र विधान जो हुआ था उसमें बहुत लोग जो नीचे नहीं बैठ पाते थे, बहुत लोगों ने नीचे बैठना शुरू किया तो उनके घुटने, उनकी कमर भी ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई? क्योंकि पाप कर्म के उदय में असाता वेदनी आई थी। पूजा विधान में आपका पाप कर्म भागा तो आपका पुण्य कर्म आ गया और बीमारी ठीक हो गई, है ना। और काय क्लेश, काय क्लेश का मतलब क्या है, क्लेश का मतलब क्या है, मैटो क्लेश महेश भगवान से कहते हो ना, और यहां काय क्लेश, क्लेश का मतलब कष्ट, काय मतलब शरीर, शरीर को अपने द्वारा ऐसा कार्य करना कि शरीर को कष्ट हो और मन में शांति रखना, इसका नाम है तपस्या। मुनिराज धूप में खड़े होकर तपस्या करते हैं, बहुत सारे मुनिराज धूप में करते हैं, बहुत सारे मुनिराज सर्दी में करते हैं, बहुत सारे मुनिराज बारिश में करते हैं। तो ये क्या है, ये क्लेश क्या, शरीर को कष्ट हो रहा है और मन शांत है, इसका मतलब तपस्या है। तपस्या के क्या मतलब है, दुख तो सामने है, परेशानी सामने है, समस्या सामने है, संघर्ष सामने है और मन शांत है, इसका नाम है तपस्या। अब चाहे वो तुम्हारे घर की हो और चाहे वो तुम्हारे मंदिर की हो, कहीं की भी हो, समस्या को शांति से सहन करना, उसका प्रतिकार शांति से करना, इसका नाम है तपस्या। वही जो मैंने भी बताया, पॉजिटिव सोचना, क्या करना, पॉजिटिव सोचना। बहुत सारी बार तो मतलब टालने के लिए, लड़ाई हटाने के लिए पॉजिटिव सोच लो, लड़ाई टल जाएगी, और वरना लड़ने के लिए तो हवा से लड़ लो, तो यहाँ क्यों चल रही है, अकेले ही लड़ लो, लड़ने वाले तो किसी से भी लड़ सकते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं, सामने कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, शुरू हो गए, किसी किसी को लड़ने की बहुत आदत होती है और कोई कोई इतना पॉजिटिव सोचता है, इतना पॉजिटिव सोचता है, लगता देखो इसके विचार कितने अच्छे हैं, ये बात कितनी बड़ी थी और कितनी सहजता में इसको निकाल दी। अंतरंग तप में पहला तप है प्रायश्चित। गलती हो गई, हो गई, इंसान है, गलती हो जाती है, उसका प्रायश्चित करना, क्या करना, उसका प्रायश्चित करना, है ना। विनय, सामने वाले का सम्मान करना। योग, छोटे के हिसाब से छोटे का, बड़ों के हिसाब से बड़ों का, भगवान के हिसाब से भगवान का, साधु के हिसाब से साधु का। यथा योग्य विनय करना, विनय करने से कर्मों की निर्जरा होती है, नमस्कार करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। जब आप भगवान को नमस्कार करो ना, बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से और समय लगाकर आप अच्छे से नमस्कार किया करो। क्यों? नमस्कार करने से कर्मों की निर्जरा होती है। शास्त्र पढ़ो तो पहले नौवारण मुकार मंत्र पढ़ो, फिर शास्त्र खोलो, मंगलाचरण करो, फिर जब उसे समापन करो तो फिर अजिनवाणी स्तुति करो, फिर समापन करो, उसे विनय से रखो, विनय से उठाओ, इसमें भी कर्मों की निर्जरा होती है। विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय, स्वाध्याय परमम तपः। जिस समय स्वाध्याय करते हैं उस समय मन शांत रहता है, ज्ञान आता है, यहाँ भी मुझे इस शिविर में भी रिजल्ट मिला,
कुछ भाई ऐसे थे जो गहराई से जैन धर्म में नहीं घुसे थे, बस हाथ जोड़ लिए भगवान के और अपने चल दिए। अब वो शिविर में आके बैठे तो उन्हें लग रहा है अपना धर्म ऐसा है, धर्म में ये भी बताया है, धर्म में ऐसा भी बताया है। उन्हें इतना आश्चर्य हो रहा है, इतने खुश हो रहे हैं कि मैंने जैन धर्म को पहली बार समझा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, रिजल्ट आए हैं मेरे पास में। जैन होकर भी जैन धर्म का ज्ञान नहीं होता है, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन 10 दिन के शिविर में आप जैसे आए थे ना, वैसे वापस नहीं जाओगे। यहां से बहुत कुछ लेकर जाओगे, बहुत कुछ लेकर जाओगे। जीवन परिवर्तन करके जाओगे, विचार परिवर्तन करके जाओगे। इसलिए शिविर में जरूर बैठना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। हमारे टीसी जैन जी भी कह रहे थे, दिल्ली से आए हैं, बोले माता जी शिविर तो हम 8 साल से अटेंड कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इस शिविर में जो आनंद आ रहा है वो पहले नहीं आया है। बंधुओं, एक बार शिविर में बैठ जाओ, कुछ सीखना हो तो, जो नाम रखा ना श्रावक संस्कार साधना शिविर, वो ही है ये। यदि वास्तव में जैन धर्म को जानना चाहते हो तो शिविर में जो 355 दिन घर के और 10 दिन माता जी के, मुझे दे दो मैं ले लूंगी, माता जी के लिए आ जाओ। एक बहन जी बोली, बोले माता जी आपको टीवी में तो रोज देखते थे, बड़ी इच्छा थी कि आपको देखूं, साक्षात देखूं मैं, तो मैंने सोचा कि चलो शिविर में 10 दिन तक देखने मिलेगा। वैसे जाएंगे तो बस एक झलक देखेंगे और वहां से जाना पड़ेगा। अब इतनी दूर से आए हैं तो बार बार तो आना होता नहीं है, तो शिविर के बहाने 10 दिन तक आपको देख लेंगे। अब आपको देखने के बहाने आए और कितना ज्ञान मिला, कितनी साधना हुई, कितनी भक्ति हुई और कितने संस्कार मिले। निमित्त एक बनता है और काम अनेक हो जाते हैं। स्वाध्याय वित्सर्ग, वित्सर्ग को काय उत्सर्ग भी कहा जाता है। काय उत्सर्ग, जब आप ध्यान में होते हैं तब ध्यान में आत्मा में होते हैं, काय में नहीं होते। और जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो मन कहाँ होता है? यदि मन नमोकार मंत्र में है, काय छूट गई, इसको कहते काय उत्सर्ग। उत्सर्ग यानी छोड़ना, काय मतलब शरीर। शरीर को हम वैसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन मन का उपयोग आत्मा में लगा दिया जाए तो फिर काय अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ती। और अंतिम तप का है ध्यान। क्या है? ध्यान। तो ध्यान के माध्यम से तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवन में यदि बहुमूल्य कोई चीज है तो वो है ध्यान। आपने कितना कमाया, कितना क्या किया, क्या क्या सीखा, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और ध्यान सीख लिया और कुछ नहीं सीखा तो सब कुछ सीख लिया। तो तपस्या, तप का मतलब, एक भाई आए, पत्रकार थे, इंटरव्यू लेने आए थे, बोले आप क्या क्या करते हो? तो लोग बैठे थे, बोले माता जी पैदल चलती हैं, नंगे पांव चलती हैं, केश लॉन्च करती हैं, एक बार आहार करती हैं। बोले आप तो बहुत कष्ट सहन करती हो। क्या बोले? आप तो बहुत कष्ट सहन करती हो। मैंने कहा कष्ट और तप में अंतर समझो। जो जबरदस्ती सहन किया जाए उसका नाम है कष्ट, और जो खुशी से सहन किया जाए उसका नाम है तप। सहन तो करना है, और खुशी से किसी के उसमें दबाव में दीक्षा नहीं ली, किसी के दबाव में दीक्षा नहीं ली, दीक्षा अपनी राजी से ली है, सोच करके लिए कि हमें ऐसा करना है। फिर जो कष्ट मिल रहे हैं तो ये कष्ट कष्ट नहीं है, इसका नाम है तपस्या। साधु बनने के बाद में निर्जरा फटाफट शुरू हो जाती है, फटाफट शुरू हो जाती है। क्यों? लोग कहते तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है। कठिन नहीं, जब तपस्या होती है तो समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। और जहां समस्या नहीं है वहीं तो सुख है।
तुम तपस्या से दूर भागते हो तो समस्याओं में घिर जाते हो। क्या? जो तपस्या से दूर भागता है वो समस्याओं के बीच रहता है, और जो तपस्या में आता है वो समस्या अपने आप चली जाती हैं। समय हो गया है, मेहंदी रंग लाती है पिस जाने के बाद, पिसना पड़ता है, ये भी तपस्या है। तुम भी कहते ना इनके घर में पिस रहे हैं हम, तो मेहंदी रंग लाती है पिस जाने के बाद, सोने में निखार आता है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। और इंसान का जीवन महान बनता है तपस्या करने के बाद, इंसान का जीवन महान बनता है तपस्या करने के बाद। तो इस शिविर में जो भी आपको कष्ट है, कष्ट है क्या, वैसे तो मैंने पूरी व्यवस्था करवाई है कि आपको कोई कष्ट ना हो, फिर भी यदि आपको समस्या लगती है, अपने पॉजिटिव माइंड से उस समस्या को तपस्या बना लें। इसका ही नाम उत्तम तप धर्म तो नहीं है, लेकिन उत्तम तप बहुत ऊपर होता है, लेकिन शुरुआत हो गई आपके जीवन में तप की। बसी में कप का, करने में जप का और करने में तप का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का बड़ा ही महत्व है। झांकी को हिट करके आए हैं। वस्त्रों में फिट का, सामान रखने में किट का और मंगल विहार जयपुर की झांकी, जहाजपुर की झांकी को होने में हिट का बड़ा ही महत्व है। आपने बहुत मेहनत करी आपने, और उस मेहनत का फल भी आपको मिला। कल मुझे समाचार मिल गए हैं, सबको वहाँ जो जहाज मंदिर बना बहुत पसंद आया, और जो वहाँ स्वस्ती भूषण माता जी बनी वो भी बहुत पसंद आई। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपने बहुत अच्छा एक लोगों को जहाजपुर का स्मरण दिला के और जहाजपुर को भगवान के दर्शन करा के आपने बहुत लोगों को पुण्य कर्म करने का मौका दिया है। हाँ, और हमारी अध्यक्ष जी भी आई, मैं तो देख ही नहीं पाई इनको। एक तो दिल्ली में सूर्य नगर है, वहाँ की अध्यक्ष महिला थी, और उन्होंने उस वहाँ की पूरी कार्यकारिणी महिलाओं की थी। उन्होंने मेरा चतुर्मास करवाया था दिल्ली में। अब ये दूसरी महिला अध्यक्ष समाज की दूसरी बार देखने मिली मुझे पूरे भारत में। इकलौता नहीं, पूरे भारत में केवल दो ही जगह देखी, दूसरा ये, पहला वो। बाबा की महिमा देखते हुए, बाबा की भक्ति में लीन, बाबा की भक्ति में लीन, पता ही नहीं चला क्या से क्या हो गया। और बाबा के अभिषेक शांति धारा की महिमा, दर्शन की महिमा अपरंपार है। आप भी आइए और आप सह परिवार को लाइए, आप भी इस आनंद का लाभ उठाइए। जय जिनेन्द्र। एवं नीरज जी के सुपुत्र के प्रथम वर्ष गांठ पर प्रबंध कारिणी समिति स्वस्ति धाम की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
उसका आगामी जीवन स्वस्थ समृद्ध एवं हर तरह से खुशहाल रहे, ऐसी मेरी मंगल भावनाएं हैं। वीरा की प्रथम वर्षगांठ पर यही मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे दूं, दिनांक 9 जुलाई को अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष में, 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष पर शाम को सायंकालीन 5 बजे सामूहिक कलश का कार्यक्रम रहेगा, जो पुराने मंदिर के वहाँ पर होगा। साथ ही 11 तारीख को ढोक पड़वा के दिन में 3 बजे सामूहिक कलशाभिषेक एवं सामूहिक श्रावणी का प्रोग्राम रखा गया है। आप सब लोग पधारें, 3 बजे सामूहिक कलशाभिषेक के बाद में श्मावाणी का प्रोग्राम। ओम ह्रीम दर्शन शुद्धि षोडश कारणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त एक स्तंभ निरूपामिति। ओम ह्रीम दर्शन शुद्धि षोडश कारणेभ्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। ओम ह्रीम दर्शन शुद्धि षोडश कारणेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। ओम ह्रीम ह्रीम दर्शन शुद्धि षोडश कारणेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। ओम ह्रीम प्रवचन भक्ति भावनाय नमार्घ्यम निरूपामिति। प्रेम उत्तम क्षमा मार्दव आर्ज सोच शब्द संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मांगाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम दर्वपामुति स्वाहा। उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र में दिया है, इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। हम सभी जानते हैं इच्छाएं अनंत हैं, उनकी पूर्ति करना कभी भी संभव नहीं है। इच्छाएं की तासीर ही ऐसी है कि वे कभी पूरी नहीं होती। जीवन पूरा हो जाता है पर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। संयम की साधना तब से पूर्ण होती है। मानव जीवन में एक शुद्ध स्वच्छ दर्पण के समान होता है। समय समय पर इस पर कर्मों की धूल परतें जमी रहती हैं। ये परतें तप की बुहारी के द्वारा हटती हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुण गान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।